नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनूटेक चैनल। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी प्लम्बर्स के लिए। अभी देखिए यहाँ पे पाइप है दोस्तों, टैंक वाला है और 3/4 का पाइप है, पुराना वाला पाइप है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये पाइप डालते समय ये कट हो गया है, तो अभी यहाँ पे दोस्तों किसी भी तरह का सॉल्वेंट यहाँ पे इसके ऊपर नहीं पकड़ेगा। हीट करके ज्वाइंट करने वाला ये पाइप है और यहाँ पे स्पेस भी नहीं है, दोनों पाइप बिल्कुल टच करके यहाँ पे लगा हुआ था। देखिए यहाँ पे इसको डाइवर्ट डाला हूँ तो फिर यहाँ पे ये गैप आया है। तो आज मैं दोस्तों आपको ऐसा तरीका बताऊँगा, ना ही इसमें दोस्तों किसी भी तरह का सॉल्वेंट लगेगा और ना ही कपलर लगेगा, और यहाँ तक दोस्तों कस्टमर का इसमें 1 रुपया नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में ये बहुत ही आसानी से ये ज्वाइंट हो जाएगा। पूरा प्रोसेस क्या है कंप्लीट जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो को देखिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए और आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो, ठीक है। तो अब आइए मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए किस तरह से इसको आप कवर अप करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार इसको मैं रिपेयर किया हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले लगाया था मैं, बाद में इसको मैं निकाल दिया क्योंकि ये प्रॉपर टाइट नहीं हो रहा था, ठीक है। और ये जो पाइप है दोस्तों वो 3/4 का है, यानी कि 1.25 का है। देखिए यहाँ पर एक ट्यूब ले लेना है क्योंकि प्लम्बिंग का दोस्तों जो भी वाटर लीकेज है ना वो वाशर के ऊपर ही डिपेंड रहता है। तो अभी देखिए यहाँ पर इस तरह से ट्यूब कट कर लेना है आपको, इतना बड़ा, इससे छोटा भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। जो मेन दोस्तों यहाँ पे जो लीकेज को रोक रहा है वो ये है कि थर्माकोल लेंगे फेविक्विक से, उसको गला के उसके बाद यहाँ पे होल को आप कवर कर लेंगे, ठीक है। देखिए होल प्रॉपर कवर हो गया है, ट्यूब लगाने के बाद इसको मैं प्रॉपर यहाँ पे टाइट कर दिया हूँ, अभी ये प्रॉपर फिक्स हो गया है। सप्लाई को भी ऑन कर दिया हूँ, अभी यहाँ पर कहीं भी दोस्तों लीकेज नहीं हो रहा है, ठीक है। टैप को ऑन करके लीकेज मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ, सप्लाई ऑन हो गया है। देखिए यहाँ पर ये टैंक है जो कि टैंक से सप्लाई आ रहा है, और देख सकते हैं पानी अभी यहाँ पे भरपूर आ रहा है, ठीक है। देखिए और यहाँ पे लीकेज नहीं आ रहा है, हमारा जो लीकेज है दोस्तों सिर्फ वो
ये जो 7 इंच का क्लैंप है इसी से रुक गया है, बाकी ये जो 3 है दोस्तों वो मैं एक्स्ट्रा लगाया हूँ ताकि जो है कभी भी इन फ्यूचर लीकेज इसमें ना करे। तो अभी दोस्तों यहाँ पे ये जो पाइप कटने के बाद जो लीकेज आ रहा था उसको मैं पूरी प्रॉपर तरीके से उसको मैं सॉल्व कर दिया हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे ट्यूब और ये क्लिप के जरिए प्रॉपर इसको मैं फिट कर दिया। जो मेन दोस्तों इसमें काम कर रहा है वो फेविक्विक और थर्माकोल है, सबसे पहले उसी से गैप को कवर कर लेंगे। वो इसलिए करना पड़ा है क्योंकि दोस्तों ये जो है ना ये पुराना पाइप है तो इसका यहाँ पे कोई भी फिटिंग नहीं मिल रहा है और इसमें किसी भी तरह का पीवीसी या फिर सीपीवीसी सॉल्वेंट या फिर कपलर काम नहीं करेगा, इसलिए ये जो है ना ये प्रॉपर तरीका है। ये कोई भी पाइप हो आपका, चाहे जीआई हो, सीपीवीसी हो, पीपीवीसी हो, सब में दोस्तों प्रॉपर अच्छी तरह से पकड़ कर लेगा थर्माकोल और फेविक्विक वाला। तो आज का वीडियो दोस्तों पूरा हुआ। इस वीडियो में मुझे आपको ये अवेयर करना था कि इस तरह से अगर पाइप दोस्तों कहीं पे कट जाता है या फट जाता है तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो पूरा हुआ, मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ।